सोमवार को पाचपावली पुलिस ने गश्त के दौरान गौमांस से लदा वाहन पकड़ा, जिस दौरान पुलिस ने 120 किलो गौमांस और वाहन सहित 5,12,000 रुपए का माल भी जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेढे ने अधिक जानकारी साझा की। पाचपावली पुलिस ने रविवार देर रात गश्त के दौरान गौमांस से लदा वाहन पकड़ा। पुलिस को देखते ही वाहन चालक भाग निकला। हेड कांस्टेबल शेख सगीर अपनी टीम के साथ परिसर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान जानकारी मिली कि एक माल वाहन में गौमांस ले जाया गया है। खबर के आधार पर पुलिस ने कमिश्नर गरी में जाल बिछाया। MH27BX5003 के चालक को रुकने का इशारा दिया। पुलिस को देखते ही चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। वाहन की तलाशी लेने पर 6 बोरी में गौमांस मिला। पुलिस ने 120 किलो गौमांस और वाहन सहित 5,12,000 रुपए का माल जब्त कर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिनांक 7 तारखेला रात्रपाळीचे जे कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत ते पेट्रोलिंग करत असताना काश्मीरी गल्ली पोस्ट पाचपावली येथून एक गोमांस असलेली वाहन जात आहे अशी माहिती मिळाली होती। वाहनाचा क्रमांक आहे MH27BX5003 टाटा V10 अशी चारचाकी गाडी आहे ती। संशयावरून त्याचा पाठलाग केला, आरोपी गाडी थांबवून पळून गेले आणि गाडी नंतर चेक केली असता त्याच्यामध्ये 4 बोऱ्यामध्ये गोमांस भरलेलं मिळून आलं। टोटल 20 किलो गोमांस असे 12,000 रुपये आणि गाडीची 5 लाख किंमत 5,12,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे। वाहन कोणाच्या नावाने नोंद आहे, आता MH27 असल्यामुळे ते अमरावती पासिंगचं वाहन आहे, त्यासाठी आम्हाला RTOमधून त्याचे डिटेल्स काढून ती गाडी नेमकी कोणाच्या ताब्यात होती याबद्दल आम्ही तपास करीत आहोत। हेड कॉन्स्टेबल सगीर त्याचा तपास करत आहे आणि आम्ही मूळ आरोपीपर्यंत पोहोचून त्याला सुद्धा अटक करू। आरोपी अटक झाल्यानंतर याबाबत खुलासा होऊ शकेल। आरोपी अटक झाल्यानंतर आम्ही त्याबद्दल वाहन के नंबर के आधार पर पुलिस चालक का पता लगा रही है। इंस्पेक्टर संजय मेढे और मुकुंद ठाकरे के मार्गदर्शन में PSI प्रमोद खंडार, हेड कांस्टेबल सगीर शेख, कांस्टेबल विकास सिंह, विनोद बर्डे, अनिल धूले, कमल किशोर चौहान और होमगार्ड नितिन देवगढ़ ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।